स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीदी जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएंगी आपको सबसे पहले अवगत कर दिया जाएगा। तो इसके लिए प्लीज़ हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दीदी आप पहले से DNRLM में जुड़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग पंचसूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंचसूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखें सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ मिलता है और वरीयता दी जाती है। तो इसलिए से आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पंचसूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दीदी ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। स्वयं सहायता समूह की महिला, जी हाँ, हमारी सच्ची की जो दीदियाँ हैं झाड़ू बनी महिलाओं की आजीविका का सहारा, अब वो जो है झाड़ू बना के अपने आजीविका का सहारा बना रही हैं। देवास जिले के देवास विकासखंड के लसुडिया सोडा पंचायत के ग्राम मेरखेड़ी में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा चेक व खजूर की झाड़ू का निर्माण वृहद स्तर पर किया जा रहा है। यहाँ समूह सदस्य झाड़ू निर्माण के कार्य को पारंपरिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण झाड़ू निर्माण का कार्य व्यापक स्तर पर व व्यावसायिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं थे। 4 वर्ष पूर्व ग्राम में आजीविका मिशन, जी हां, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद इन सदस्यों ने अपने समूह से व बैंक से ऋण लेकर बड़े पैमाने पर झाड़ू बनाने का कार्य शुरू किया। वर्तमान ग्राम मेरखेड़ी में बीजासन स्वयं सहायता समूह की ज्योति दीदी, अन्नपूर्णा समूह की मनीषा दीदी व माँ गायत्री समूह की सावित्री दीदी और गुंजा दीदी का कहना है कि आज से 4 साल पहले तक खजुरिया कारीगर बरमुंडा समाज के 30 से 35 परिवार झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। पहले ये कम झाड़ू बनाते थे और मप्र के सनवेर, बणन नगर, इंदौर, उज्जैन और कभी कभी महाराष्ट्र में झाड़ू बेचते थे। पिछले 4 वर्ष से जब से समूह में जुड़े हैं तब से समूह व बैंक लोन आदि के माध्यम से ज़्यादा राशि मिलने से इन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ाया है, क्योंकि पहले दीदी राशि की काफ़ी कमी थी इनके पास, इसलिए व्यवसाय अपना नहीं बढ़ा सके। लेकिन स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद दीदियों के पास बैंक लोन आदि के माध्यम से ज़्यादा राशि मिलने से इन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ाया। आज एक महिला एक दिन में कम से कम, जी हाँ दीदी, आज एक महिला एक दिन में कम से कम 50 से 55 और अधिकतम 60 से 70 झाड़ू बना लेती हैं। इस तरह गांव में एक दिन में 1200-1500 तक झाड़ू बनती है। इनकी बनाई झाड़ू आज महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक, पुणे तक जाती है। वहां के व्यापारी खुद ही यहां से आकर झाड़ू ले कर जाते हैं। झाड़ू की अलग अलग वैरायटी भी है। नागमुठ झाड़ू जो है 16 रुपए की, गंजी झाड़ू जो है 15 रुपए की, बैनी झाड़ू 7 रुपए की, बच्चा झाड़ू 6 रुपए, गोंडा झाड़ू 32 रुपए, दिवाली पर बनती है विशेष लक्ष्मी झाड़ू। बड़नगर, सानवेर और महाराष्ट्र के व्यापारियों के विशेष आर्डर पर विशेष लक्ष्मी झाड़ू समूह की महिलाएं बनाती हैं। एक झाड़ू की कीमत 551 रुपए तक है। इस खास झाड़ू को बनाने में समय और सामग्री अधिक लगने से यह आर्डर पर ही महिलाएं बनाती हैं। समय इन दीदियों की हो रही है बेहतर आय। सावित्री और ज्योति दीदी ने बताया कि झाड़ू निर्माण से
आज समूह की दीदियां महीने के कम 10,000 रुपये व वर्ष में 1,00,000 से अधिक आय प्राप्त कर रही हैं। झाड़ू निर्माण से देवांश के सभी विकास खंड 70-80 परिवार हैं जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं। ग्राम मेर खड़ी की सविता दीदी कहती है कि समूह में शामिल होकर अपना व्यवसाय ही नहीं बढ़ाया बल्कि अपने पति सहित परिवार के एक अन्य व्यक्ति भी स्वरोजगार उपलब्ध करवाया है। अब हम ग्राम में ही एक गोडाउन बनाना चाहते हैं ताकि और अधिक कच्चा माल लाकर अपने उत्पादन को बढ़ा सके। यह दीदी काम आप लोग भी कर सकती हैं अगर करना चाहें तो। जी हाँ, इसका प्रशिक्षण भी ले सकती हैं। अगर यह काम आप सभी को करना है तो अपने ज़िले के अधिकारी से कहिए कि आप लोग की ट्रेनिंग करा दी जाए कि यह माल कहाँ से लाया जाता है और कैसे झाड़ू बनाया जाता है। और आप लोग भी यह कार्य करके घर में ही रहकर, जी हाँ दीदी, आपको इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा। आप एक समूह की बैठक बैठाइए, सारे दीदियों से पहले बातचीत कीजिए कि कौन कौन सी दीदी यह कार्य को करना चाहती हैं। अगर जो दीदी राजी हों, जी हाँ सहमति हो कि हम यह काम कर सकते हैं क्योंकि घर में ही बैठकर यह काम करना है, बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, सामग्री कहाँ से पानी है और कहाँ से आना है ये आपको विकास खंड के थ्रू बता दिया जाएगा, प्रशिक्षण के द्वारा बता दिया जाएगा और यह काम आप लोग शुरू करके अच्छा खासा इनकम कमा सकती हैं, SHG को बढ़ा सकती हैं क्योंकि इनकम का स्रोत बहुत ज़रूरी है। आप सभी को दीदी को बता दूं कि देखिए आप लोग नौकरी के चक्कर में ना फंसें। आप लोग जहाँ तक कोशिश करें कि अपना स्वयं का रोज़गार स्टार्ट करें। जी हाँ, जैसे इन दीदियों ने किया अपना स्वयं का रोज़गार समूह के CIF धनराशि लेकर और CCL का धनराशि लेकर। तो आपके समूह में भी स्टार्टअप फंड आ ही रहा है, उसके साथ रिवॉल्विंग फंड 15,000 दिए ही जा रहे हैं, फिर CIF धनराशि दी जा रही है 1,10,000, फिर दीदी आप लोग का बैंक से CCL भी करा दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं पैसा लेकर इधर उधर इन्वेस्ट करके बनने में असमर्थ जता रही हैं। तो आप सभी दीदियों से निवेदन है कि आप लोग जो SHG से पैसे लें, जो समूह से पैसे लें, उस पैसे को लेकर कोई कार्य जरूर स्टार्ट करें। जी हाँ, कार्य करेंगी तो इनकम जरूर होगा। आप समूह से जो भी पैसे लें, ऋण लें, उस पैसे को दो इनकम के स्रोत के यहाँ ही यूज करें। आप इधर उधर पैसे बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें क्योंकि फिर आपको भरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज़ दीदी आप लोग से अनुरोध है SHG से पैसे लें और अपने किसी रोज़गार को स्टार्ट करने में लगाएं। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ और शेयर करें। आप सभी दीदियों से प्लीज़ हमारे तरफ से अनुरोध है कि आप लोग जो है हमारे प्रेरणा TV चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। अगर आप DNRLA में जुड़ी हैं तो तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 6387877662, ये हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर दीदी दोनों है। अगर आपके समूह में किसी प्रकार की आपको दिक्कत लग रही है समूह चलाने में या समूह से कोई दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो हमसे बात कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। जय आजीविका।